वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे BST क्लास 11th का, हिंदी मीडियम का जो हमारा कोर्स चल रहा है। इसमें चैप्टर 9 अध्याय 9 है, जो कि लघु व्यवसाय एवं उद्यमिता से रिलेटेड है। और इसका हम वीडियो का फर्स्ट पार्ट अपलोड करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, इस चैप्टर के अंदर जो बेसिकली स्टार्टिंग में बताया गया एक एग्जाम्पल दिया गया है, वो खुम्बोग्युम ध्यानचंद सिंह के बारे में दिया गया है। वह एक निर्धन दर्जी का बेटा था। पिता बहुत कम लाए आय अर्जित करते थे। उसने देखा कि धनी व्यक्ति तो अति धनवान होते जा रहे हैं, किंतु निर्धन व्यक्ति अधिक निर्धन होते जा रहे हैं। मैं निरंतर कपड़े सिलता रहता और अपने गुजारे हेतु केवल पर्याप्त आय ही अर्जित करता और जीवन यापन कर पाने के बारे में नहीं सोच पाता था। उसे उन्होंने केवल वही सिखाया जो वह जानते थे, जो कि सिलाई। उसने उसे सीखा, परंतु उसका इसमें मन नहीं लगता था। पिता के बच्चे कुछ कपड़ों को टुकड़े से बटुआ सिल दिया उसने। तो वो जब उसने किसी को भेंट किया तो उसने पूछा कि वह उसने बटुए एक और बना सकता है। तो उसने उस व्यवसाय की योजना बनाई तथा 1996 में रोमी बैग्स नाम से बटुए बनाने की कंपनी का प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से वह इस प्रकार अपना पहला सबक सीखा कि वर्ष 2007 में उसने सूक्ष्म एवं मध्यम उपक्रम हेतु थैला निर्माण में राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किया। तो यह विश्वास करता है कि वे सफलता हेतु कोई सरल मार्ग नहीं है, उसने कठिनाई से जो है पूरा अपना जीवन यापन करते हुए एक बहुत बड़ी कंपनी का निर्माण किया। इसका एग्जांपल स्टार्टिंग में दिया गया है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। प्रस्तावना क्या है? देखिए, इसमें छोटे पैमाने के उद्योग विकास प्रक्रिया में उल्लेखनीय योगदान तो देते ही हैं, तथा उद्यमी आधार का विस्तार एवं स्थानीय कच्चे माल एवं स्वदेशी कौशल के प्रयोग द्वारा उत्पादन, रोजगार तथा औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी कार्य करते हैं, मतलब देश को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं। छोटे पैमाने के उद्योग काफ़ी बड़ी श्रम शक्ति भी देते हैं तथा अद्भुत निर्यात संभावना के साथ देश के औद्योगिक परिदृश्य में अपना वर्चस्व रखते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे छोटे उद्योग जो सामान बनाते हैं जो बाहर भी सप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि हथकरघा, हस्तशिल्प, नारियल की जटा, रेशम उत्पादन, खादी एवं ग्राम उद्योग एवं छोटे पैमाने के उद्योग के अंतर्गत आते हैं, जबकि अन्य परंपरागत उद्योगों के अंतर्गत भी इसमें आते हैं। लघु व्यवसाय के प्रकार देखिए कौन कौन से होते हैं। व्यवसाय में नियुक्त व्यक्ति, व्यवसाय में विनियोजित पूंजी, उत्पादन की मात्रा अथवा व्यवसाय के उत्पादन का मूल्य तथा व्यवसाय क्रियाओं हेतु प्रयुक्त की गई ऊर्जा सम्मिलित होती है। लघु उद्योगों को विवेचित करने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त की गई परिभाषा संयंत्र एवं मशीनी पर आधारित है। यह पैमाना भारत जहां पूंजी कम तथा श्रम की प्रचुरता होती है, मतलब देखो मेन ये चीज़ है कि इसमें कैपिटल बहुत कम होती है और जो है लेबर बहुत ज़्यादा होती है, कि सामाजिक आर्थिक वातावरण को ध्यान में रखता है। बड़े सेवा क्षेत्र के आविर्भाव ने भारत सरकार को विवश किया कि वह अन्य उद्योगों, जिसमें छोटे पैमाने के उद्योगों तथा संबंधित सेवा इकाइयों को एक ही छत के अंतर्गत लाया जाए। सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उपक्रमों के कामों पर ध्यान देना एवं उन्हें एकल कानूनी संरचना उपलब्ध कराना आवश्यक हो गया। तो उन्होंने फिर अब आगे में क्या किया कि उपक्रमों को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि निर्माण एवं सेवाएं। निर्माण में अंदर जैसे कि उपक्रमों के तीन प्रमुख पार्ग होते हैं, सूक्ष्म उपक्रम जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी में 25 लाख रुपए से अधिक का विनियोग नहीं हो सकता, मतलब 25 लाख के अंदर के जो आ रहे हैं वो आपके सूक्ष्म उपक्रम में माने जाएंगे। लघु उपक्रम जिसमें मशीनरी एवं का विनियोग 25 लाख रुपए से अधिक हो लेकिन 5 करोड़ से कम हो, मतलब 5 करोड़ से 25 लाख के बीच में आ सकता है। इसके अलावा एक और है मध्यम, जिसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से अधिक तो हो सकता है परंतु 10 करोड़ से अधिक नहीं होगा, मतलब 10 से 15 करोड़ के बीच में आ रहा है। सेवाएं, इसमें तीन प्रकार की सेवाएं होती है। सूक्ष्म उपक्रम जिसमें उपक्रमों में 10 लाख रुपए से अधिक का विनियोग नहीं हो सकता है, ऐसी सेवा प्रदान करना है उसको। फिर लघु उपक्रम जिसमें उपकरणों में विनियोग 10 लाख रुपए से अधिक हो परंतु 2 करोड़ से अधिक ना हो, मतलब 2 से 10 लाख के बीच में आ रहा है, ठीक है। इसके उपक्रमों में विनियोग 2 करोड़ रुपए से अधिक हो परंतु 5 करोड़ से अधिक ना हो, मतलब 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में आ गया मध्यम उपक्रम वाला। अब देखिए यहाँ से मेन कंसेप्ट शुरू हो रहा है कि ग्रामीण उद्योग क्या होते हैं। विद्युत ऊर्जा प्रयोग करने वाला अथवा ना करने वाला ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कोई उद्योग जो किसी वस्तु का उत्पादन करता है
कोई सेवा उपलब्ध कराता है तथा जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा समस्त समय समय पर विनिर्दिष्ट प्रति व्यक्ति अथवा प्रति कर्मचारी स्थायी पूंजी में विनिवेश भी हो। कुटीर उद्योग देखो छोटे उद्योग माने जाते हैं जो ग्रामीण उद्योग तथा परंपरागत उद्योग भी कहा जाता है। छोटे पैमाने के अन्य उद्योगों की तरह इन्हें पूंजी निवेश कसौटी द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें देखिए विशेषताएं क्या है, ये व्यक्ति द्वारा अपने निजी संसाधनों से संगठित किए जाते हैं, मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस को यूज करके वो किया जाएगा। सामान्यतः परिवार के सदस्यों के श्रम तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध प्रतिभा का ही प्रयोग किया जाता है, मतलब अपने परिवार के लोग इसमें काम करते हैं। सरल उपकरण उपलब्ध किए जाते हैं, उपकरण बहुत सरल वाले लिए जाते हैं। पूंजी निवेश कम होता है, ये सामान्यतः अपने ही परिसरों में सरल उत्पादों का उत्पादन करते हैं, मतलब अलग से फैक्ट्री वगैरह नहीं लगाते हैं, अपनी जगह पे जहाँ पे रहते हैं वहीं पे वो काम करते हैं। ये स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, मतलब कि जो हमारे इंडियन जो हमारे मतलब नेचुरल जो अवेलेबल है जो इंडियन टेक्नोलॉजी है उसी का इस्तेमाल करके वो अपना सामान बनाते हैं। भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका क्या, देखो निम्नलिखित बिंदु से योगदान उजागर किया गया है। जैसे कि भारत में लघु उद्योग देश की औद्योगिक इकाई का 95% है, तो मतलब बहुत बड़ा उद्योग माना जाता है। रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करता है, इसलिए इन्हें अधिक श्रम तथा कम पूंजी नियोग वाला माना गया है। हमारे देश में लघु उद्योग कई प्रकार के हैं, जैसे कि उत्पादों की आपूर्ति करते हैं जिसमें कई उपभोक्ता वस्तुएं, सिले हुए कपड़े, सिलाई कपड़े, होजरी का सामान, सिस्ट्री का सामान, साबुन एवं डिटर्जेंट, घरेलू बर्तन, चमड़ा, प्लास्टिक तथा रबड़ का सामान, फिर संसाधित खाद्य वस्तुएं एवं सब्जी इत्यादि सब लघु उद्योगों के अंदर ही आते हैं। हथकरघा हो गया आपका, हस्तशिल्प हो गया तथा परंपरागत ग्रामीण उद्योग के निर्यात मूल्य को देखते हुए ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये बिना किसी स्थानीय बाधा के दूर दूर तक फैले हुए होते हैं, इसलिए औद्योगीकरण के लाभ प्रत्येक क्षेत्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः देश के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी ये निभाते हैं। उद्यमिता के विकास में लघु उद्योग प्रचुर अवसर भी उपलब्ध कराता है, ठीक है। लोगों के अविकसित कौशलों, मतलब कि जो मतलब थोड़े से अनट्रेंड पर्सन्स होंगे या फिर प्रतिभा को व्यवसाय विचार की ओर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है तथा इन्हें एक लघु व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु अल्प मतलब कि बहुत कम पूंजी की निवेश तथा लगभग शून्य परि सॉरी शून्य औपचारिकताओं मतलब कि कोई फॉर्मेलिटी उसको बिल्कुल ना के बराबर करनी होती है के साथ वास्तविकता के परिवर्तनित किया जा सकता है, मतलब कि उसको फॉर्मेलिटीज बहुत ही कम जरूरत होती है इसमें। फिर तीसरे पार्टी ने बताया है आगे कि उत्पादन की कम लागत का लाभ भी लघु उद्योगों को मिलता है कि लागत बहुत कम लगती है। कम उपयोगों के कारण लघु उद्योगों की स्थापना तथा परिचालन लागत भी कम होती है। व्यवसाय में लघु उद्योगों को उत्पादन की कम लागतों का लाभ मिलता है जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी बढ़ जाती है। लागत कम होगी तो फिर ऑब्वियसली कंपटीशन भी उसका कंपटीशन में वो आगे हो जाएंगे। कई लोगों से सलाह लेने किए बिना ही वह तत्वेक व समय पर निर्णय ले सकते हैं क्योंकि वो खुद ही अपना काम का सारा कर रहा होता है, तो बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं होता है। ग्रामीण भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका देखिए क्या होती है। ग्रामीण परिवार खेती बाड़ी तथा कृषि मजदूरी की परंपरागत ग्रामीण गतिविधियों के साथ साथ वाणिज्यिक निर्माण एवं सेवाओं में स्वेतर रोजगार व स्वरोजगार जैसी कई प्रकार की गैर कृषि गतिविधियों के में भागीदार बन सकते हैं तथा बने भी रहते हैं। ग्रामीण एवं छोटे पैमाने के उद्योगों को महत्व देना भारत की औद्योगिक नीति का सदैव विशेष रूप से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पश्चात अनिवार्य अंग रहा है। ग्रामीण एवं ग्रामीण उद्योग क्षेत्रों में विशेषतः परंपरागत दस्तकारों तथा समाज के कमजोर वर्गों हेतु रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उद्योग कई अन्य सामाजिक आर्थिक पहलुओं में भी योगदान देते हैं, जैसे कि आय की असमानता को कम करना, उद्योगों को अलग अलग क्षेत्रों में विकास तथा अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में संयोजन, इन सब में वो फायदा करते हैं। समरूप उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु छोटे पैमाने के उद्योगों को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण उद्योगीकरण को भारत सरकार द्वारा एक शक्तिशाली माध्यम भी माना गया है। लघु व्यवसाय की देखिए समस्याएं क्या है, इनकी समस्याएं भी काफ़ी है क्योंकि छोटे पैमाने पर उद्योग वो करते हैं, बहुत सारी इनकी समस्याएं होती हैं। प्रचालनों का पैमाना, वित्त की उपलब्धता की कमी होना,
आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने में सामर्थ्य न होना, कच्चे माल की उपलब्धता कम होना अधिकांश समस्याएं इन में व्यवसाय के छोटे आकार के कारण की होती है। छोटे पैमाने की परंपरागत इकाइयों की समस्याओं में कम विकसित आधारभूत ढांचा उनका बहुत कम विकसित होता है, संबंधी सुविधाओं वाले दूरवर्ती स्थान पर अविस्थित प्रबंधकीय प्रतिभा का अभाव होना, घटिया किस्म परंपरागत प्रौद्योगिकी तथा वित्त की अपर्याप्त उपलब्धता सम्मिलित है। छोटे पैमाने में निर्यातक इकाइयों में विदेशी बाजारों को पर्याप्त जानकारी का अभाव होता है, बाजार सूचना का अभाव, विनिमय दरों में उतार चढ़ाव, इन सब की उनको नॉलेज नहीं हो पाती है। गुणवत्ता मानक तथा पूर्व नोभार वित्त सम्मिलित है। लघु व्यवसाय सामान्यतः निम्नलिखित समस्याओं का सामना करता है, जैसे कि वित्त, सबसे बड़ी समस्या उसकी वित्त की भी होती है कि वित्त मतलब पैसे अवेलेबल नहीं होता, पर्याप्त वित्त की अनुपलब्धता गंभीर समस्याओं में से एक है। सामान्यतः एक लघु व्यवसाय का प्रारंभ एक छोटी पूंजी आधार के साथ होता है। लघु क्षेत्र की कई इकाइयों में पूंजी बाजारों से पूंजी प्राप्त करने हेतु साख प्रपत्रता का अभाव होता है, परिणामस्वरूप ये स्थानीय वित्तीय स्रोतों पर अधिक पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं तथा बार बार साहूकारों द्वारा दिए गए छोड़ के शिकार भी हो जाते हैं, मतलब साहूकार वगैरह का बहुत ज़्यादा शोषण भी करते हैं, ज़्यादा ब्याज दर पर पैसा उपलब्ध कराते हैं। कच्चा माल, यदि आवश्यक मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध हो तो उन्हें गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करना पड़ता, अर्थात अच्छी किस्म का माल प्राप्त करने हेतु अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। इनके द्वारा क्रय किए जाने वाले माल की कम होने के कारण इनकी सौदेबाजी करने की क्षमता भी अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि कम सामान खरीदना होता है तो वह सौदेबाजी कम कर पाता है। मोल भाव यदि मात्रा में क्रय करने पर का जोखिम भी नहीं उठा सकते, क्योंकि उनके पास रखने की समस्या होती है, पैसा भी नहीं होता क्योंकि उनके पास माल के भंडारण की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती है। प्रबंधकीय कौशल, कौशल भी उसका कम होता है क्योंकि एक ही व्यक्ति सारा काम कर रहा होता है, एकल व्यक्ति द्वारा प्रारंभ एवं प्रचालित किया जाता है जिसमें व्यवसाय चलाने हेतु आवश्यक समस्त प्रबंधकीय कौशल नहीं होता है। केंद्र तो सब नहीं हो सकता ना, समस्त कार्यालय गतिविधियों हेतु इनके पास पर्याप्त समय भी नहीं होता है, सारे काम खुद नहीं कर पाता है। श्रम, कर्मचारियों को अधिक वेतन देने का खर्च वहन नहीं कर सकते, जिससे कर्मचारियों को की कड़ी मेहनत तथा अधिक उत्पादन करने की इच्छा शक्ति प्रभावित होती है। कर्म पारिश्रमिक हेतु अकुशल व्यक्ति पदभार ग्रहण करते हैं परंतु उन्हें प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया अधिक समय लेने वाली होती है, उन्हें प्रशिक्षण देना ही पड़ता है क्योंकि उनको खुद से नॉलेज नहीं है तो उनको फिर ज़्यादा ट्रेन करना पड़ेगा, लेकिन उसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है और समय भी ज़्यादा लगता है। विपणन, विपणन भी काफ़ी बड़ी समस्या है, सामान तो बना लेने लगे, बेचना कहते हैं, कहाँ ले जाना है। अधिकांश मामलों में विपणन लघु संगठनों की एक कमजोर कड़ी है, इसलिए ये संगठन मध्यस्थों द्वारा अत्यधिक निर्भर होते हैं जो कई बार कम मूल्य पर तथा विलंबित भुगतान द्वारा भी इनका शोषण करते हैं, मतलब एक तो सामान कम पैसे में इनसे खरीदते हैं और ऊपर से पैसा जो उनका होता है वो देते ही बहुत टाइम बाद है, जिससे उनको और दिक्कत हो जाती है। गुणवत्ता, वांछित मानकों का पालन नहीं करते हैं, इसके बजाय ये लागत घटाने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं तथा मूल्य को कम रखते हैं। क्षमता उपयोग, विपणन कौशल के अभाव, क्योंकि विपणन कौशल ज्यादा उनके पास होता नहीं है तथा मांग की कमी के कारण कई लघु व्यवसाय फर्मों को पूर्ण सामर्थ्य शक्ति से कम पर प्रचालन करना पड़ता है, जिससे उनकी प्रचालन लागतें भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो अगर मान लो प्रोडक्शन ही कम करेंगे तो फिर आगे सब चीज़ें उनके एक्सपेंसिस भी बढ़ते जाएंगे। प्रौद्योगिकी, अप्रचलित तकनीक के प्रयोग को प्राय इनकी गंभीर समस्या मानता है। रुग्णता, देखिए इसके अंतर्गत बताया गया है कि रुग्णता के कारण आंतरिक एवं बाह्य दोनों हैं, आंतरिक समस्याओं में कुशल एवं प्रशिक्षित श्रमिकों का अभाव एवं प्रबंधकीय एवं विपणन कौशल सम्मिलित है। कुछ बाह्य समस्याओं में विलंबित भुगतान, कार्यशील पूंजी का अभाव, अपर्याप्त ऋण तथा उनके उत्पादों की मांग का अभाव भी सम्मिलित है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी बहुत ज़्यादा उनके सामने होती है, बाकी तो देश की तो होती है, वैश्विक भी होती है। इन क्षेत्रों को नजर आए जहाँ वैश्विक प्रतिस्पर्धा के आक्रमण को लघु व्यवसाय चेतावनी के रूप में महसूस करते हैं। जैसे प्रतिस्पर्धा केवल मध्यम एवं बड़े उद्योगों से नहीं होती बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी होता है जो अपने आकार तथा व्यवसाय की मात्रा की दृष्टि से अधिक विशाल है। छोटे पैमाने की इकाइयों के व्यापार प्रारंभ करने
करते ही उनका गला काट प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। बड़े उद्योगों द्वारा तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों में गुणवत्ता मानकों, तकनीकी कौशल, वित्तीय साक्षमता, प्रबंधकीय एवं विपणन क्षमताओं के सामने टिक पाना उनका बहुत मुश्किल हो जाता है। ISO 9000 जैसे मैं सुनाऊंगा नाम, जैसे गुणवत्ता प्रमाण पत्र का सख्त अपेक्षाओं के कारण विकसित देशों के बाजारों तक इनकी सीमित पहुंच है। लघु व्यवसाय इकाइयों को सरकारी सहायता दी जाती है। इन सब समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार की नीतियों में ने लघु व्यवसाय क्षेत्र विशेषतः ग्रामीण उद्योगों एवं पिछड़े क्षेत्रों में कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, वृद्धि तथा विकास पर बल दिया है। आधारभूत संरचना, वित्त, प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण, कच्चा माल तथा विपणन के संबंध में सहायता उपलब्ध कराकर केंद्र तथा राज्य दोनों स्तर पर सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के सक्रिय रूप से भाग लिया है। विभिन्न अभिकरणों, विभागों, निगमों इत्यादि तो सब उद्योग विभाग की सीमा के अंतर्गत आते हैं, के माध्यम से क्रिया में अनुदित की जाती है। ये सब मुख्यतः लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने में से संबंधित है। अब ये कुछ प्रोत्साहन एवं कार्यक्रम निम्नलिखित है जो उन्होंने ज़्यादा स्टार्ट कर रखे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड के नाम से भी जानते हैं। 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया था। कृषि के साथ साथ ये लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों तथा दस्तकारों, साग का प्रयोग करने वाले तथा ना करने वाले की सहायता करता है। ग्रामीण लघु व्यवसाय विकास केंद्र, जैसे कि हम RSBDC भी कहते हैं, नाबार्ड द्वारा प्रायोजित है, मतलब उसी के द्वारा प्रायोजित किया जाता है। यह सामाजिक तथा आर्थिक अलाभप्रद व्यक्तियों में इनको लाभ नहीं मिला है तथा एवं समूहों की भलाई हेतु कार्य करता है। अपने कार्यक्रम के माध्यम से वे विभिन्न व्यापारों, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण, सौम्य खिलौने बनाना, सिले सिलाए वस्त्र बनाना, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, दोपहिया मरम्मत एवं सर्विसिंग, केचुआ खाद जो काफ़ी कंपोस्ट खाद के नाम से भी जानी जाती है, तथा गैर परंपरागत भवन निर्माण सामग्री निर्माण सम्मिलित है। ये बड़ी संस्था में ग्रामीण बेरोजगारों व महिलाओं को भी शामिल करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, जिसे हम NSIC के नाम से भी जानते हैं। 1995 में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम स्थापित किया गया। यह निम्न कार्यों के वाणिज्यिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि आसान किराया क्रय शर्तों पर स्वदेशी एवं आयातित मशीनों की आपूर्ति करना, स्वदेशी तथा आयातित कच्चे माल की आपूर्ति प्राप्ति तथा वितरण करना, लघु व्यवसाय इकाइयों के उत्पादों का निर्यात तथा निर्यात योग्यता का विकास करना, सलाहकारी एवं परामर्श दात्री सेवाएं, जैसे कि प्रौद्योगिकी विकास उष्माशित के रूप में सेवा प्रदान करना, प्रौद्योगिक उन्नयन के बारे में जागरूकता पैदा करना, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों तथा प्रौद्योगिकी अंतरण केंद्रों का विकास करना, ग्रामीण एवं महिला उद्यमिता विकास, देखिए ये RWED के नाम से जाना जाता है, सहायक व्यवसाय वातावरण को बढ़ावा दिया जाए तथा संस्थागत एवं मानवीय समर्थकों का निर्माण किया जाए, जिससे कि ग्रामीण लोगों तथा महिलाओं की उद्यमिता पहलुओं को प्रोत्साहित भी किया जा सके, उनको सहायता मिले। निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध कराता है, यह देखिए कौन कौन सी, जैसे कि ऐसे व्यवसाय वातावरण का निर्माण करना जो ग्रामीण एवं महिला उद्योगियों की पहलों को प्रोत्साहित करें, उद्यमी उत्साह एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु आवश्यक मानवीय एवं संस्थागत क्षमताओं को बढ़ावा मिले देना, महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण पुस्तिका उपलब्ध कराना ताकि वह अच्छे से ट्रेन हो सके तथा उन्हें प्रशिक्षण देना, कोई अन्य परामर्शदात्री मतलब परामर्श देने वाली सेवाएं उपलब्ध कराना, परंपरागत उद्योगों के पुनरुत्थान हेतु निधि की योजना, जिसे हम स्फूर्ति के नाम से भी जानते हैं, परंपरागत उद्योगों को एवं उपयोग और उपयोगी तथा प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु तथा उनके संपोषणीय विकास को सुगम बनाने हेतु केंद्र सरकार ने वर्ष 2005 में यह योजना का प्रारंभ किया था। इस योजना के मुख्य उद्देश्य देखो निम्न है, देश के विभिन्न भागों में परंपरागत उद्योगों के समूह विकसित किए जाए, उन्हें
प्रतिस्पर्धी, लाभप्रद एवं संपोषणीय बनाने हेतु अभिनव एवं परंपरागत कौशल निर्माण करना, प्रौद्योगिकी के सुधार प्रौद्योगिकी में सुधार करना आता था, सार्वजनिक नीति निजी भागीदारी विकसित करना, बाजार सूचना विकसित करना इत्यादि। परंपरागत उद्योगों में संपोषणीय रोजगार अवसरों का निर्माण भी करना। जिला उद्योग केंद्र, जिसे हम DIC के नाम से भी जानते हैं, जिला स्तर पर एकीकृत प्रशासनिक संरचना उपलब्ध कराने हेतु की दृष्टि से 1 मई 1978 को जिला उद्योग केंद्र प्रारंभ किए गए, जो जिला स्तर पर औद्योगिकरण की समस्याओं को एक सम्मिलित रूप से देखते हैं। उपयुक्त योजनाओं की पहचान, व्यवहारिकता रिपोर्ट तैयार करना, साख हेतु व्यवस्था करना, मशीनें एवं उपकरण, कच्चे माल का प्रावधान एवं अन्य विकास सेवाएं, इन उद्योगों द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रियाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, उद्यमिता विकास के ऊपर है। जो व्यक्ति अपना व्यवसाय स्थापित करता है वह उद्यमी कहलाता है, ठीक है। जो मतलब खुद अपना बना रहा है उसे एकल स्वामित्व भी कहते हैं। जब आप इस विकल्प को चुनते हैं तो आप नौकरी खोजने वाले की बजाय नौकरी उपलब्ध कराने वाले बन जाते हैं, मतलब कि आप खुद लोगों को नौकरी देते हैं। एक उद्यमी के रूप में जन्म लेने की तुलना में उद्यमी बनने की महत्वाकांक्षा के साथ उद्यमिता का अपनाना निश्चित रूप से एक बेहतर है, समाज के लिए बेहतर है और देश के लिए बेहतर है। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वांछनीय तथा व्यवहार साध्य के बारे में वातावरण एवं व्यक्ति के दृष्टिकोण दोनों कारकों को ध्यान में रखा जाए। उद्यमिता की विशेषताएं देखिए कौन कौन सी होती है। प्रत्येक देश, चाहे विकसित हो अथवा विकासशील हो, को उद्यमियों की आवश्यकता होती है। एक विकासशील देश की विकास की प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए उद्यमियों की आवश्यकता होती है, जबकि एक विकसित देश को बनाए रखने के लिए उद्यमिता की आवश्यकता होती है। अतः आर्थिक विकास की प्रक्रिया के संबंध में तथा व्यवसाय उपक्रम के संबंध में उद्यमियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों से ही उद्यमिता की आवश्यकता उत्पन्न होती है। उद्यमिता की विशेषताएं देखिए कौन कौन सी है। सुव्यवस्थित क्रिया है, यह एक सुव्यवस्थित क्रमशः एवं उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। इसका निश्चित स्वभाव, कौशल एवं अन्य ज्ञान तथा योग्यता आवश्यकता होती है, जिन्हें औपचारिक शैक्षण एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण के साथ साथ प्रशिक्षण तथा कार्य अनुभव द्वारा अभिग्रहित शिक्षा सीखा तथा विकसित भी किया जा सकता है। वैध एवं उद्देश्यपूर्ण क्रिया, कोई व्यक्ति अवैध कार्यों को वैध ठहराने का प्रयास कर सकता है केवल इस आधार पर कि उद्यमिता में जोखिम की आवश्यकता है, अतः अवैध व्यवसाय भी किए जाते हैं, इसके अंदर ये दिक्कत भी आती है। नव परिवर्तन लागत घटाता है तथा आगम बढ़ाता है। नव परिवर्तन मतलब कुछ नई टेक्नोलॉजी को अपनाना। उद्यमी एवं वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादित करते हैं जो समाज की इच्छाओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करती है। प्रत्येक उद्यमशीलता कार्य का परिणाम आय तथा संपत्ति का उत्पादन होता है। उद्यमिता इस अर्थ में भी रचनात्मक है कि यह नव परिवर्तन के साथ साथ कार्यों को बेहतर, मितव्ययी, तीव्र तथा वर्तमान संदर्भ में वातावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाले तकनीकों से करने हेतु नए संगठनात्मक प्रारूप प्रारंभ करती है। उत्पादन के संगठनों का संगठन, देखिए व्यवसाय अवसर को देखते हुए एक उद्यमी इन संगठनों को एक लाभकारी उपक्रम अथवा फॉर्म का रूप देता है। उद्यमी के पास इनमें से किसी भी संस्थान का होना आवश्यक नहीं है, उसके पास केवल एक योजना होनी चाहिए जिसे वह संसाधन प्रदाताओं के बीच प्रचारित कर सके। उत्पादन के संसाधनों के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण है कि संसाधनों की आवश्यकता उपलब्धता तथा अविस्थिति के साथ साथ उन्हें संयोजित करने की अनुकूलतम विधि भी की भी जानकारी हो। उपक्रम के सर्वोत्तम हित में इन संसाधनों को प्राप्त करने हेतु एक उद्यमी में मोलभाव करने की भी कुशलता होनी चाहिए कि वह कुछ मोलभाव कर सके, कि सामान कम ज़्यादा रेट में करवा सके। जोखिम उठाना भी देखो इसमें एक महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति उद्यमशीलता को एक जीवन वृत्ति के रूप में अपनाते हैं, नौकरी
अथवा पेशे की को व्यवहार में लाने की तुलना में एक बड़ा जोखिम उठाते हैं, क्योंकि इसमें कोई निश्चित भुगतान प्राप्त नहीं होता। जोखिम तो है ही बहुत ज़्यादा इसमें। जब कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु अपनी नौकरी छोड़ता है, तो वह एक यह परिकलित करने का प्रयास करता है कि वह आय का वही स्तर प्राप्त करने में समर्थ होगा अथवा नहीं। मतलब जो उसको इनकम पहले हो रही थी नौकरी करने से, क्या वो अपना व्यवसाय करने से उतनी कम हो पाएगी? हो पाएगी, उस पर टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। वे अपनी क्षमताओं के बारे में आश्वस्त है कि वे अपने 50% संयोगों को 100% सफलता में परिवर्तित कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आज हमने इसमें चैप्टर में देख लिया है। बाकी इस चैप्टर को हम और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आता तो आप इसको वाइट लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा अपने शेयर्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।